सो गुड टॉक्स के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल है इंडिया की सानवी मेहरा के नाम पे। देखिए, इनको यंग इन्वेस्टिगेटर अवार्ड मिला है। ये अवार्ड इनको दिया है स्पेन ने। स्पेन के बार्सिलोना में एक प्रोग्राम हुआ था जिसका नाम था 9th EAPS कांग्रेस 2022। एक्चुअली EAPS का पूरा नाम होता है यूरोपियन अकेडमी ऑफ पेडेट्रिकल सोसाइटीज़। अब ये पेडेट्रिकल यहाँ पे जो वर्ड है, इसका मतलब होता है बच्चों के जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, उन पे जो रिसर्च करते हैं। तो सानवी ने ऐसी कौन सी रिसर्च की, आपको बता दें 12th की स्टूडेंट है सानवी और नोएडा में रहती हैं। इन्होंने क्या किया है, बच्चों में एक बीमारी हो जाती है बहुत छोटी उम्र में जिसको डिटेक्ट करना भी कठिन होता है, वो होता है डाउन सिंड्रोम। इस बीमारी में क्या होता है, बच्चा जो होता है सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी कम हो जाती है और ये बीमारी उसकी हार्ट और ब्रेन पे भी इफेक्ट करती है। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं, मतलब एक तरीके से उसको समझने में चीज़ें दिक्कत होने लगती हैं। इस बीमारी की सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये पकड़ में नहीं आती, पता ही नहीं चलता कि बच्चे को ऐसी कोई बीमारी हुई है। वैसे तो इन बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टर मोटिवेटिंग स्टोरीज, म्यूज़िक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको जितना जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाए उतना ही अच्छा हो। इसलिए सानवी ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो AI बेस्ड है। इसमें क्या करेगा, अगर आपको लग रहा है कि कोई बच्चा डाउन सिंड्रोम का मरीज़ है, ठीक है, आप क्या करिए, बस उसके फेस को इसमें एनालाइज करवाइए, उसका फेस की फ़ोटो क्लिक करिए और वो क्या करेगा, फेस को डिटेक्ट करेगा और फेशियल एक्सप्रेशन से बता देगा कि ये बच्चे में डाउन सिंड्रोम है कि नहीं है, क्योंकि जिनको भी होता है उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और ये भी बता देगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर कि ये जो बच्चा है उसको डाउन सिंड्रोम है तो वो कौन सी स्टेज पे है, स्टेज भी बता दी जाएगी कौन सी स्टेज पे है। तो यार ये जो रिसर्च है ये काफ़ी